प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली पर आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि आए। सेवन इंडिया न्यूज परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयास होगा कि सरयू जी में जहां पर ये जल वापस जा रहा है वहां तक दोनों ओर घाट बने और एक साथ लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने के लिए सुरक्षित जगह हम दे सकें। तो यह एक बेहतर अवसर यहां पर मां सरयू के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले श्रद्धालुजनों के लिए यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या के विकास में विगत 2.5 वर्ष के दौरान अनेक योजनाएं यहाँ के लिए आई हैं। ऊपर लटकते हुए तारों को हटा करके ITS के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति का मामला हो, यहाँ के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का मामला हो, या फिर अयोध्या में अयोध्या की पहचान के अनुरूप उन सभी योजनाओं को अयोध्या के अंदर देने की कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि दीपोत्सव का यह आयोजन जिस प्रकार से अयोध्या के साथ जुड़ करके देश और दुनिया में अयोध्या की एक अनोखी पहचान को प्रस्तुत कर रहा है, पर्यटकों को और उनके माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक ढेर सारी संभावनाएं अयोध्या के माध्यम से बनेगी और अयोध्या को अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के रूप में पहचान दिलाने में मिल सकता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनका दुर्भाग्य है कि राम की शरणागति और राम की भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। यह तो स्थापित तथ्य है, जो राम की शरण में गया है, राम की शरणागति राम की भक्ति जिसे प्राप्त हुई है उसका उद्धार हुआ है, और जिसने राम से द्रोह किया है उसकी दुर्गति हुई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। योगी जी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की इसी कुमति के कारण देश की जनता ने उनके सामने स्वयं ही विपत्ति खड़ी कर दी है। उनके अस्तित्व का एक संकट खड़ा हुआ है, वह विकास भारत की सांस्कृतिक परंपरा और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ की है उसमें वह सबसे बड़ी बाधा थी, विपक्ष सबसे बड़ी बाधा थी, इसलिए जनता ने स्वयं उनकी इस नकारात्मकता के कारण उसे अलग थलग कर दिया है। अपनी सांस्कृतिक परंपरा पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं और उन्हें देश और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। दीपावली का उत्सव तो अब अयोध्या का एक ब्रांड बन चुका है, अयोध्या की एक पहचान से जुड़ चुका है।